ये क्वेश्चन है कि चेंज इनटू मिक्स फ्रैक्शन। अब मिक्स फ्रैक्शन में कैसे इसको चेंज करना, आपके पास है, आपने इसको 13 है, 13 को अंदर लिखना है क्योंकि वो न्यूमिनेटर है, और डिनोमिनेटर जो है वो 2 है, उसको हमने आउटसाइड पे लिखना है, उसको डिवाइड करेंगे। तो 2 टाइम्स 6 इज़ 12 आता है, उसके बाद रिमाइंडर कितना आएगा, 12 से काउंटिंग किया अप टू 13 इज़ 1, तो रिमाइंडर इज़ 1। अब आपने इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है, तो आपने जो रिमाइंडर से पहले नंबर है वो पहले लिखेंगे, 6 था, लाइन लगाएंगे, और जो रिमाइंडर है उस वो न्यूमिनेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, जैसे हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है 31/5, तो आपने 5 को आउटसाइड पर रखना है और 31 इनसाइड पर, सही, और 5 टाइम्स 6 इज़ 30। अब हमारे पास 30 काउंटिंग, यानी कि 30 से टेक अवे किया, 31 टेक अवे 30 इज़ रिमाइंडर 1 आ गया। इसमें भी जरूरी नहीं करीब 1 ही आए, डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो अब इस टाइम हमारे पास 6 होल 1/5, ये हमारे पास क्वेश्चन है। इस तरह एक और मैं क्वेश्चन लिखती हूँ ताकि थोड़ा सा फ़र्क हो सके। ये देखिए, जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 14 और हमारे पास यहाँ पे आ जाता है 3। ठीक है, अब आपने चेक करना है इसको कि डिफरेंट कैसे होता है। नहीं, 3 टाइम 4 इज़ 12 और 3 टाइम 5 इज़ 15, वो ज़्यादा होता है इसलिए 4 आएगा। 3 टाइम 4 इज़ 12 और रिमाइंडर आता है 14 टेक अवे 12 इज़ आ गया 2। अब आपने इसको लिखना है 4 होल, यानी कि जो पहले था उसको लिख दिया, और जो रिमाइंडर है वो 2 हो जाएगा और ये 3। इस तरह क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है।